Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताऊंगा हाउ टू गेट अ यूरोप का वीजा यानी कि शेंगेन वीजा. सो गाइज ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं. सो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हम इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला और बहुत ही जरूरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे मिल जाता है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जरूरी तो है क्योंकि इसमें हम सारे अपने इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कि हमारी आईडी हो या फिर बाकी चीजें हो. और इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात यह होती है कि अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल रहे हैं तो उसे कम से कम 3 से 4 बार वेरीफाई करें कि आपने वो पासपोर्ट नंबर सही डाला है कि नहीं. बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं जिसमें वो पासपोर्ट नंबर अपना गलत डाल देते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है. 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी करेंट फोटोग्राफ्स मतलब 2 से 3 दिन पुरानी ही फोटोग्राफ्स जो आपको क्लिक करा के ही तुरंत आपको देनी है. वो आपको कैसी डायमेंशन में होनी चाहिए, कितना विजिबिलिटी फेस होना चाहिए, 70% ऑफ विजिबिलिटी होना चाहिए आपके फेस का, उसमें क्या क्या डायमेंशन में रहती है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. वहां से आप देख सकते हैं कि क्या डायमेंशन में आपको वो फोटोज करानी है. थर्ड पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपका पासपोर्ट कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए. 6 मंथ्स कहूँ या सेफर साइड में 1 साल तक वैलिड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रहा हूँ 1 महीने बाद तो कम से कम मेरा पासपोर्ट 1 साल तक वैलिड होना चाहिए. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ से कम वैलिड है और आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का जो आपका वीजा जो है वो शायद नहीं आएगा. फोर्थ पॉइंट आपकी टिकट की बुकिंग्स, आने और जाने की आपकी टिकट की बुकिंग्स होने चाहिए. अब आप ये सोच रहे हैं कि वीजा नहीं आया है तो टिकट की बुकिंग्स कैसे करा लें. सो इसका एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाइए जहां से आप टिकट बुक कराते हैं. वहां पे एक ऑप्शन होता है ब्लॉक टिकट का, जिस ऑप्शन में जाके आप अपनी डेट्स कोई भी डेट्स लेके वो ब्लॉक टिकट करा सकते हैं जिसमें आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी. वो 3 से 4 दिन तक वैलिड होती है. उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं अपने आने और जाने के टिकट्स का प्रूफ दिखाकर. आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जितने पीरियड तक आप जा रहे हैं, जितने दिन तक आप जा रहे हैं, उस फ्लाई करने से लेकर के आपके लौटने तक के वो पूरे दिन का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए. 30,000 यूरोज मिनिमम का कवरेज होना चाहिए आपके ट्रैवल इंश्योरेंस का. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप जहां जा रहे हैं, कहां रहने वाले हैं, कहां पे आप होटल्स की आपकी कहां बुकिंग है, कहां स्टे करने वाले हैं, किसी रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, तो एवरीथिंग जो आपका प्रूफ का अकोमोडेशन है वो आपके पास होना चाहिए रिटर्न में. बहुत इजी आप बुकिंग्स करा सकते हैं ऑनलाइन और फिर वो भी आपको मिल जाती है प्रिंट आउट पे. वो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दीजिए तो आपका एक प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा. कवरिंग लेटर में बेसिकली आपको लिखना है कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं. एक छोटा सा मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना है फॉलोड बाय योर पासपोर्ट नंबर, योर डिटेल्स, योर आइडेंटिटी प्रूफ, सो बस. नेक्स्ट प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपका प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड जो है वो आपको एग्जैक्टली दिखाना है कि आपके अकाउंट में कम से कम मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए तक के पैसे हैं. इसे मैं 3 भाग में आपको समझाता हूँ. जैसे कि सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस की इंक्वायरीज देनी है, लाइक कि आपका प्रॉपर बिजनेस है और आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है और फिर बस आप घूमने जा रहे हैं और फिर वापस आ जाएंगे. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी 6 मंथ्स की या 1 साल तक की अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, सैलरी स्लिप्स लगाना है. सो ये सब आपका शो करेगा कि प्रूफ ऑफ आपका सफिशिएंट फंड है कि नहीं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज से परमिशन लेटर दिखाना होगा, लाइक कि NOC. शेंगेन वीजा जो है वो आपको एक पीरियड में ही मिलता है. अगर आपने फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 10 दिन के लिए चाहिए तो वो 10 दिन के लिए देगा, लेकिन एक्सटेंड करके आपको 1 महीने के लिए देगा, लेकिन ट्रैवल पीरियड आपका होगा 10 दिन का. अगर आप 3 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो एग्जैक्ट 90 डेज से थोड़ा ऊपर नीचे देगा कि अकॉर्डिंग टू योर ट्रैवल डेट्स. सो बस देख क्या रहे हैं आप, मतलब आप लग जाइए. जिसको जिसको भी यूरोप ट्रैवल करना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, लगाइए और शेंगेन वीजा ले लीजिए. एक और बात, आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट टाइमर है, शायद रिजेक्शन ना हो जाए, तो बिल्कुल भी घबराइए मत. रिजेक्शन सिर्फ तभी होगा जब आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करेंगे. आप अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अगर रखते हैं तो रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है. एंड अगर एक बार आपका शेंगेन वीजा लग जाता है तो सेकेंड टाइम लगने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं. जस्ट वो वेरीफाई करते हैं सेकेंड टाइम और आपका वीजा 1 से 1.5 हफ्ते में आ जाता है.
होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए इस वीडियो को. एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग. अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहूंगा मैं. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. ओके.